तो आज हम लोग नोट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ये अपना है चैप्टर थ्री द सरफेस एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ और इस वीडियो लेसन के पहले के जो वीडियोज़ हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से कहा गया है व्हाट इज स्पेशल फीचर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक जो सेडिमेंट्री रॉक है ना इसका क्या स्पेशल फीचर है ये हमको बता देने हैं तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या करेंगे ना आंसर बिल्कुल हम लोग का यहाँ पर सिंपल होने वाला है हम लोग लिखेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स आर लेयर्ड जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ना वो लेयर बाय लेयर बना हुआ होता है एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर रहता है और इसलिए इसका नाम ही पड़ा है सेडिमेंट्री रॉक दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोगों से कहते हैं हाउ आर मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो कैसे बने होते हैं तो हम लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ना एक्चुअली क्या होता है ये इग्नियस रॉक ही हुआ करता है तो रॉक्स विच ऑर्जनली आर इग्नियस और सेडिमेंट्री इन नेचर गेट चेंज इन कैरेक्टर एंड अपेरेंस ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर एंड आर कॉल्ड मेटामोर्फिक रॉक्स तो मेटामोफिक रॉक्स क्या हुआ ना जो हमारा इग्नियस रॉक है या सेडिमेंट्री रॉक है उसी का कैरेक्टर यहाँ पर चेंज हो रहा है किसके वजह से तो हीट और प्रेशर की वजह से उसका अपेयरेंस चेंज होता है और जो उसका फाइनल स्टेज बनता है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक्स कह रहे हैं तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे कहता है व्हाट इज लावा तो लावा क्या है लावा देखिए जो हमारा अर्थ है ना उसके अंदर जो रॉक्स होते हैं वो पिघले हुए रहते हैं जिसको लोग मैगमा कहते हैं ठीक है तो लावा जब वो हमारा बाहर आएगा सरफेस के अर्थ सरफेस के बाहर आएगा तो उसको हम लावा कहेंगे लावा इज़ मोल्टेन रॉक हाँ कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस देखिए अर्थ के सरफेस पे जब वो आ जाता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं ना लावा कहते हैं और अर्थ के सरफेस के जब अंदर रहता है तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं मैग्मा के नाम से जानते हैं और ये क्या होता है ना मोल्टेन रॉक हुआ करता है तो ये भी क्वेश्चन हमारा इंटरेस्टिंग था नेक्स्ट थर्ड के बाद हमारे पास फोर्थ नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे हम लोगों से कहा गया है वाई आर इग्नियस रॉकस कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स जो इग्नियस रॉक्स हैं उसको हम लोग प्राइमरी रॉक यहाँ पे क्यों कहते हैं तो इसके पीछे हम लोग आंसर यहाँ पे लिखेंगे इग्नियस रॉक्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स एज दे वेर फॉर्म फर्स्ट ओवर द अर्थ सरफेस देखिए अर्थ के सरफेस पे ये पहले बनाना इसलिए इसको हम लोग क्या नाम कह रहे हैं प्राइमरी रॉक्स कह रहे हैं ओके सिंपल आंसर हो गया लास्ट यहाँ पर देखेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन और ये कहता है हम लोगों से वाटर सेडिमेंट्स सेडिमेंट्स क्या होते हैं इसको लिखेंगे और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए सेडिमेंट्स क्या होते हैं सेडिमेंट्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स जो चट्टान होते हैं उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जब यहाँ पे डिपोजिट होते हैं किसके द्वारा रिवर के द्वारा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सेडिमेंट कहते हैं तो सेडिमेंट्स आर द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स दैट आर कैरियड बाई रिवर्स एंड डिपोजिटेड ऑन द रिवर बेड्स और सी बेड्स रिवर बेड्स और सी बेड्स में जब डिपोजिट कर दिया जाता है ये पार्टिकल्स ठीक है तो ये जो डिपोजिशन हो रहा है ना इसी को हम यहाँ पे सेडिमेंट्स कहते हैं तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव ए ग्लोरियस डे हेड लाइक दिस वीडियो शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल